चार दावी आपको ले चलूंगा प्राचीन युगों के रोचक सफर पर। आइए जान लेते हैं आज इस धरती को, इसके विभिन्न जीवन रूपों को, फिर चलेंगे इतने कैंप के नॉर्थ और विश्व युग। प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने बिजली की कड़क और बादलों की करंट से मिलकर एमिनो एसिड का निर्माण किया है। पर 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकी जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोबैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के बाद वायुमंडल में ऑक्सीजन उत्पन्न किया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले बहुकोशिकी जीव का जन्म हुआ। चूहे जैसे प्राचीन समाप्त करने लगे।
और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी थी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। इनमें से कुछ तो गिलहरी की तरह हल्के फुल्के थे और कुछ 15 पूर्ण वयस्क हाथियों की तरह भारी थे। कुछ चार पैरों से चलते थे तो सियालोफाइसिस दो पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेटियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। प्लियोसॉरस समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडिमॉर्फोडॉन हवा में आते थे। इन्हीं थे प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉन्स का उदय हुआ। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रिटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पैंजिया महाद्वीप खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महाद्वीप हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लाभान्वित होने इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्थानीय सांस की पीठ पर नौका के पास एक पीठ हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर को नियंत्रित करता था। कैटमाइंस एक ओपनिंग डॉक्टर के छोटे ओलंपिक के तीन धावकों की तरह दौड़ सकते थे। मध्य रेखा के पास आप वहां में उष्णता बढ़ी है, परंतु एक जंगल कम होने रहे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से सबसे पहले एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर Thank you.
डायनासोर के विलुप्त होने के बाद भूस्थल पर स्तनपायी प्राणियों का आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते हैं। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी প্রথম বছর এনেকাই আসলে পিছতে মানে রাখিয়া তোর ফেলে আহিলে ভালকে ঘুরি হাতি কে পূর্বজ और घोड़े के पूर्वज यह हिप्पस की उत्पत्ति हुई जो आज के हाथी और घोड़े में रूपांतरित हुए। लेकिन बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी एवं ध्रुवों पर बर्फ की चादर। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोईदार गैंडे, रोईदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। उष्णकटिबंध आकार के खोलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्थ्रोपोड उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचरण करते थे। संभवतः सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वहीं दानव आकार के हिरण हिंसक जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। आपको सफर में मजा आया होगा जहां जीवन विकसित होकर लाख और अन्य रूपों में परिवर्तित हुए। दूसरे ग्रह पर ह्यूमन रिवोल्यूशन पैरामा में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी ऑनलाइन